आज जो है ना, मैं एक ऐसी बहन के पास पहुंचा हूँ जो कि डिसेबल है और इसकी वालदा जो है ना वो मजदूरी पर गई हुई है और ये इसकी बहन है। बहन, ये आपकी बहन है? जी बहन। क्या था एक मजदूर है? अम्मी तेरी कितना गई है? कोठियों तक कमा गई। कोठे ते काम करन गई है? कल्ले घर तू सारा दे पवे हूं जी। ओ केड़े वाले वाल लंदी है? शाम को आनी है। पर अबू ने क्या था है? मैं अब कमा नहीं सकदा। कमा नहीं सकदे? क्या मसला है उनको? नो क्या कर दे जी? नो क्या कर दे? अच्छा, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है जी। इस बहन की हालत देखें, जो कि जवान है और टांगों से डिसेबल है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इसकी जो है ना वालदा भी जो है वो मजदूरी पर गई हुई है। वालदा जो है वो जाकर लोगों के घरों में मजदूरी कर रही है और लोगों के घरों में बर्तन वगैरह धोएंगी तो आपके लिए खाना लाएंगी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, ये आपकी क्या लगती है? ये मेरे शौहर के कज़न की बेटी है। कज़न की बेटी है जी। तो इनका रहन सहन खाना पीना कैसे है? इसका अब्बू काम नहीं कर सकता। अच्छा। मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता, थोड़ा दिमागी मसला है। ये भी पिताशी ऐसे है और इसकी अम्मी मेहनत मजदूरी कर आती है, इनका पेट भरती है। अच्छा, वो भी मेहनत मजदूरी पे गई हुई है जी। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियां पैदा करे। ये बहन जब उठती है, चलती फिरती है तो ये चीखने चिल्लाने लग जाती है, इसकी वजह? भाई, ये चल नहीं सकती, बस चार पाई से नीचे उतरती है, इसके घुटनों में दर्द होता है, ये नहीं चल सकती, इसलिए ये चीखती है चिल्लाती है। अल्लाह पाक रहम करे। अच्छा मेरी बहन, आप ये बताएं, हम इस फैमिली की क्या मदद कर सकते हैं? इन्हें क्या प्रॉब्लम है? इन्हें मेन इनकी आप मदद करें, इन्हें खाने पीने का सामान दें। इनका एक मकान है, वो भी यानी कि कच्चा मकान है, पक्के मकान की हेल्प करें, खाने पीने की। अच्छा। बाकी इसका इलाज करने की, मसला यही है। अगर इसका इलाज हो जाए तो ये ठीक हो सकती है? कहते तो हैं, अभी तक इलाज तो नहीं किया, पैसे इतने नहीं है कि इसका इलाज किया जाए। चले इंशाल्लाह ज़रूर मेरी बहन। आपको अभी फ़िलहाल इस टाइम जो है ना, आगे माह रमज़ान आ रहा है बाजी, आप रोज़े रखेंगी? हाँ। अच्छा माशाल्लाह, रोज़े पूरे रखती हैं आप? हाँ। अच्छा, तो आगे माह रमज़ान के लिए आपको राशन पानी चाहिए जी? हाँ। सहर इफ्तार, जिससे आपका आसानी से हो सके। तो नाज़रीन, आपने इस फैमिली की कहानी सुनी है। ये हमारी बहन जो है ना, उसकी वालदा जो है वो इस टाइम मजदूरी पर गई हुई है, लोगों के घरों में बर्तन वगैरह धोएंगी, लोगों के घरों में काम करेंगी, तो अपनी बेटियों का और अपने बच्चों का पेट पालती है, क्योंकि इनके जो वालिद मोहतरम हैं वो उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो काफ़ी मुश्किल से ये फैमिली अपना गुजर बसर कर रही है। तो आगे माह रमज़ान भी आ रहा है, ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि हम सब मिल करना कोशिश करते हैं कि इन्हें माह रमज़ान का राशन घर में बैठ कर, इनकी वालदा भी और ये भी अपने घर में बैठ कर अपना खाना पीना कर सकें। इंशाल्लाह इसका अजर जो है ना हमें अल्लाह पाक देगा।